नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RPSC एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे पाचन तंत्र में पाचन ग्रंथियों के बारे में। जो पाचन तंत्र के अंग थे उनके बारे में अपन ने दो वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं। दोनों वीडियोस में पूरे जो पाचन अंग हैं, पाचन तंत्र के जितने भी अंग हैं, उनको डिटेल से अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे पाचन ग्रंथियों के बारे में, वह भी पाचन तंत्र का ही हिस्सा हैं। और उसमें तीन ग्रंथियां देखेंगे, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। इनसे स्रावित होने वाले जो आपके हार्मोन वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो एंजाइम इनके द्वारा स्रावित होते हैं, उनके बारे में डिटेल से इसमें बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा वीडियो। पहला अपना टॉपिक है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि जो है, ये एक सीर्मी तरल एवं एक चिपचिपी श्लेष्मा का मिश्रण होता है। यानी कि इसमें एक तो तरल पदार्थ होता है, दूसरा एक चिपचिपा पदार्थ और पाया जाता है जिसका नाम श्लेष्मा होता है। तरल भाग जो होता है वह भोजन को गीला कर देता है। जैसे ही मुख में अपन भोजन लेते हैं तो जो तरल भाग है लार का, वो उस भोजन को गीला कर देता है, तथा श्लेष्मा जो होती है वो लुब्रिकेंट यानी कि चिकना पदार्थ जो होता है, लुब्रिकेंट लगाना यानी कि चिकनाई प्रदान करना। तो भोजन को गीला तो कर देता है तरल पदार्थ, और चिकना कर देता है कौन, श्लेष्मा उसको चिकना कर देती है। लार ग्रंथि के काम क्या क्या हैं, देखिए लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख्य रूप मुख में पाचन शुरू करना है, भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना, दांतों और जीभ की सफाई करना जो है वो लार का काम होता है। ठीक है दोस्तों, लार मुँह में बनी रहती है तो उसकी वजह से अपने दाँत भी साफ रहते हैं, जीभ जो होती है उसकी सफाई भी होती है, साथ ही जो है भोजन को एक घुलनशील चिकना बनाती है। इसके अलावा दोस्तों लार ग्रंथि जो है वो टाइलिन या एमिलेज, टाइलिन भी बोलते हैं या एमिलेज भी बोलते हैं, एंजाइम स्रावित करती है। तो लार कौन सा एंजाइम स्रावित करती है, टाइलिन या एमिलेज एंजाइम स्रावित करती है। लार ग्रंथि में तीन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, करणपूर्व ग्रंथि, अधोजंब ग्रंथि या अवचिबुकीय ग्रंथि और अधोजिह्वा ग्रंथि। तो लार में तीन ग्रंथियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी, करणपूर्व ग्रंथि पाई जाती है, अधोजंब या अवचिबुकीय ग्रंथि पाई जाती है और अधोजिह्वा ग्रंथि पाई जाती है। तीन ग्रंथियां जो हैं वो लार ग्रंथि में पाई जाती हैं। इन तीनों के बारे में डिटेल से देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं। तो आप देख सकते हो करणपूर्व जो ग्रंथि है, यह एक तरल का स्राव करती है, वह गले में पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं करणपूर्व ग्रंथि ये जो है ये गले के अंदर पाई जाती है, और ये करणपूर्व ग्रंथि सामान्य तौर पर एक तरल का स्राव करती है लार में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दूसरी है अधोजंब या अवचिबुकीय लार ग्रंथि, यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें तरल तथा श्लेष्मा जो दोनों का श्रावण होता है। निचले जबड़े के मध्य में मैक्सिला ग्रंथि के दोनों ओर यह पाई जाती है, यह आपकी अधोजंब या अधोजिह्वा ग्रंथि, आपकी जो निचला जो जबड़ा होता है उसके ठीक नीचे ये पाई जाती है। उसके बाद तीसरी जो ग्रंथि है आपकी, वो है अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि जो है वो जिह्वा के नीचे श्लेष्मा का स्राव करती है, तो जिह्वा के नीचे पाई जाती है यहाँ पे, और ये श्लेष्मा का स्राव करती है। तो कर्णपूर्व ग्रंथि सिर्फ तरल का स्राव करती है, अधोजंब या अवचिबुकीय ग्रंथि है ये आपका तरल और श्लेष्मा दोनों का स्राव करती है, और अधोजिह्वा ग्रंथि जो है वो सिर्फ श्लेष्मा का स्राव करती है और जीभ के नीचे पाई जाती है। तो ये थी दोस्तों लार ग्रंथि के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक तो टाइलिन और एमिलेज नाम का एंजाइम जो है इसमें उपस्थित होता है लार में, और मुख्य रूप से भोजन में जो उपस्थित स्टार्च होता है उसका पाचन का काम करती है। इसके अलावा इसके तीन भाग होते हैं, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंब ग्रंथि, अवचिबुकीय ग्रंथि और अधोजिह्वा ग्रंथि, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप इनको अगर चाहो तो याद रख सकते, बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान में रख लीजिएगा कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो करणपूर्व ग्रंथि गले में पाए, गालों में, ये जो गाल होते हैं मनुष्य के उसमें पाई जाती है। अधोजंब ग्रंथि जंब यानी जबड़ा, तो जो निचला जबड़ा होता है उसके नीचे पाई जाती है अधोजंब ग्रंथि, अवचिबुकीय ग्रंथि और अधोजिह्वा यानी जीभ के नीचे, जिह्वा यानी जीभ होता है, अधो यानी नीचे, अधोजिह्वा ग्रंथि होती है तो जीभ के नीचे पाई जाती है, श्लेष्मा का स्राव करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि को।
अग्नाशय ग्रंथि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट भी हैं। तो ये शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, बिल्कुल ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है, यानी इसमें अंदर भी एंजाइम स्रावित होते हैं और बाहर जो स्रावित होते हैं वो उनको हार्मोन बोलते हैं उन एंजाइम्स को। तो दोनों तरफ ये स्राव करती है, एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी हार्मोन है इसमें इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन। इंसुलिन जो है वो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और ग्लूकेगोन जो है वो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तो दोनों बैलेंस में काम करते हैं जिससे ग्लूकोज की मात्रा जो है वो रुधिर में उपयुक्त बनी रहे। तो अंतःस्रावी हार्मोन हो गए इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन। बहिस्रावी जो हार्मोन है वो है अग्नाशय रस, जिसमें अनेक एंजाइम होते हैं। यह एंजाइम छोटी आंत की ग्रहणी में स्रावित होते हैं, यानी कि अग्नाशय से जो एंजाइम स्रावित होते हैं वो छोटी आंत की ग्रहणी से स्रावित होते हैं और जो है वहाँ पे ये भोजन का पाचन का काम करते हैं। अग्नाशय की कुछ कोशिकाएं जो समूह के रूप में होती हैं इन्हें लेगरहेंस के द्वीप कहते हैं। अग्नाशय में जो कोशिकाएं होती हैं, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको लेगरहेंस द्वीप बोलते हैं। इसमें लेगरहेंस द्वीप में अल्फा जो कोशिका होती है वो ग्लूकेगोन का स्राव करती है, जबकि बीटा जो कोशिका होती है वो इंसुलिन का स्राव करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि अग्नाशय में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें लेगरहेंस के द्वीप कहते हैं, जिसमें अल्फा जो कोशिका होती है वो ग्लूकेगोन का स्राव करती है, बीटा कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है। ये जो इंसुलिन है इसका स्राव करती है बीटा कोशिका, ग्लूकेगोन का स्राव करती है अल्फा कोशिका। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अग्नाशय में, तो अग्नाशय ग्रंथि में यही है। इसके अलावा अग्नाशय में अग्नाशय जो है वो 6 से 8 इंच लंबा होता है तथा यू आकार का होता है। इसका जो आकार होता है वो यू के आकार का होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। यहाँ पे ये अग्नाशय है, ये जो है ये भाग ये अग्नाशय कहलाता है। तो ये जो आकार है ये यू के आकार का, अंग्रेजी के अक्सर यू के आकार का होता है। ग्लूकेगोन तथा इंसुलिन जो हार्मोन हैं वो मिलकर शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यकृत की। यकृत जो है वह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ये याद रखिएगा कि यकृत होती है वह अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह डायफ्राम के कुछ पीछे की ओर स्थित होती है। इसका अधिकतम वजन जो है वो दाएं ओर स्थित होता है, यानी कि जो डायफ्राम जो अपना यकृत होता है, यकृत को लीवर भी बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में। तो इसको जो है इसके दो भाग होते हैं यकृत के, एक तो बायां भाग होता है एक दायां भाग होता है। तो इसका जो अधिकतम वजन है वो दाएं भाग की तरफ होता है। ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि अधिकतम वजन यकृत का किस तरफ होता है, तो दाएं तरफ होता है और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। पेरिटोनियम झिल्ली जो है वो यकृत के चारों तरफ पाई जाती है। यह ग्रंथि पीत का निर्माण करती है जो पित्ताशय में एकत्रित होते हैं। जो यकृत ग्रंथि यानी कि जो लीवर है अपना, वह पीत का निर्माण करता है, जो कि किसमें एकत्र होते हैं, पित्ताशय में पीत जो वो संचय होते हैं, इनका संचय जो है पित्ताशय में होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम भी कौन करता है, यकृत करता है। यकृत जो है उसमें फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है इसमें कि यकृत जो है वो फाइब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन का निर्माण करता है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। इसके जो झिल्ली होती है वो पेरिटोनियम झिल्ली, ये भी इम्पोर्टेंट है। पित्त का निर्माण भी यही होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही अमोनिया को यूरिया में भी यकृत ही बदलता है। जो अमोनिया होती है उसको यूरिया में बदलने का काम यकृत ही करता है। विटामिन ए का संश्लेषण करता है, संश्लेषण यानी निर्माण करना। तो शरीर में विटामिन ए का निर्माण यकृत, लीवर ही विटामिन ए का निर्माण करता है शरीर के अंदर, ठीक है दोस्तों। इसलिए यकृत खराब अगर हो जाता है तो विटामिन ए की समस्या शरीर में आने लगती है, जिससे काफ़ी सारी बीमारियाँ होने लगती हैं। इसलिए यकृत का सही होना काफ़ी आवश्यक है। विटामिन ए के संश्लेषण के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी का संचय यानी स्टोरेज भी यकृत करता है। तो इतने सारे काम हैं यकृत के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, तो इनको ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो अपने लार ग्रंथियाँ जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो स्रावित जो एंजाइम हैं उनके बारे में, कौन सी ग्रंथि कौन सा एंजाइम स्रावित करती है, उनके कार्य क्या हैं और कार्य का स्थल क्या है, कार्य कहाँ पे किया जाता है एंजाइम के द्वारा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से
टाइलिन या एमिलेज भी जिसको बोला जाता है, एक तो ये एंजाइम स्रावित होता है, दूसरा लाइसोजाइम नामक एंजाइम स्रावित होता है। टाइलिन का क्या काम है? टाइलिन या एमिलेज का कार्य है स्टार्च का जो पाचन करना, और लाइसोजाइम का काम है दोस्तों भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करना। जो भोजन में जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कौन काम करता है? लाइसोजाइम एंजाइम। साथ ही टाइलिन या एमिलेज जो है वो स्टार्च का पाचन करने में काम करता है, और इसका जो कार्य होता है ये मुख गुहा में होता है, यानी कि मुंह में ही यह कार्य किया जाता है, कार्य होता है एंजाइम्स के द्वारा। उसके बाद दूसरा है दोस्तों आमाशय से जो एंजाइम स्रावित होते हैं उनको जठरस बोलते हैं। जठरस में क्या क्या शामिल होता है? एक तो पेप्सिन एंजाइम होता है, एक रेनिन एंजाइम इसमें शामिल होता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, जबकि रेनिन जो है वो केसिन को पैरा केसिन में बदल देता है, और कार्य स्थल दोस्तों आमाशय ही होता है, यानी कि आमाशय से जो एंजाइम स्रावित होते हैं वह कार्य भी कहाँ पे करते हैं? आमाशय में ही करते हैं। ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देते हैं, पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, रेनिन जो है वो केसिन को पैरा केसिन में बदल देता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अग्नाशय, तो अग्नाशय जो है अग्नाशय से स्रावित जो होने वाले एंजाइम हैं उनको अग्नाशय रस बोलते हैं, और इसमें शामिल होते हैं दोस्तों एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज और न्यूक्लिएजेज। तो ये काफ़ी सारे जो एंजाइम हैं ये अग्नाशय में स्रावित होते हैं। एमिलेज का क्या काम है? स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। ट्रिप्सिन जो वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है। काइमोट्रिप्सिन का कार्य भी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा को मोनोग्लिसराइड वसी अम्ल में बदलने का काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लाइपेज जो एंजाइम है वो वसा को वसी अम्ल या मोनोग्लिसराइड में बदलने का कार्य करता है। न्यूक्लिएज जो है वो डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में बदलने का कार्य करता है, और ये सारे जो काम होते हैं वो छोटी आंत में होते हैं। अब याद रखने की बात यह है कि लार ग्रंथि का काम तो मुंह में हो जाता है, आमाशय का काम आमाशय में हो जाता है, अग्नाशय जो उसका जो रस है वो स्रावित कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, और वहीं इसका जो वो कार्य होता है छोटी आंत में ही। इसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों आंतरीय रस आंतों से निकलने वाला, तो माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, फास्फेटेज ये जो एंजाइम हैं ये आंतरीय रस में आते हैं, और माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, लैक्टेज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, सुक्रेज और सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। जैसा नाम वैसा ही इनका काम होता है। माल्टेज का नाम माल्टोज से कर देंगे, लैक्टेज यानी लैक्टोज, सुक्रेज यानी सुक्रोज, तो इससे जैसा नाम है वैसा ही इनका काम है, आप समझ सकते हो आराम से इसको। लाइपेज जो है वो वसा को वसी अम्ल में, पहले भी मैंने आपको बताया था, तो यह अग्नाशय से भी स्रावित होता है, और लाइपेज जो है वो एंजाइम जो है आंतरीय रस से भी स्रावित होता है। एक दोस्तों फास्फेटेज ये न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनी क्षारक राइबोज में बदलता है, ये भी याद रखिएगा। ये भी काम कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में ही होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं यकृत की, तो यकृत में पीत लवण का निर्माण होता है। अपन ने पढ़ा है पीत का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, और पित्ताशय में इनका जो है संचय होता है। तो पीत लवण जो है वो कहाँ से निकलते हैं? आपकी यकृत से बनते हैं। इनका काम क्या होता है? वसा को वसी अम्ल में बदलना इनका काम होता है। ये कार्य भी छोटी आंत में ही होता है। तो यकृत, आंतरीय रस, अग्नाशय से जो भी एंजाइम स्रावित होते हैं वो सारे काम कार्य करते हैं छोटी आंत में करते हैं, आमाशय वाले आमाशय में करते हैं, लार मुंह में स्रावित होती है तो लार वाले मुंह में काम करते हैं एंजाइम। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जितने भी अपने पाचन ग्रंथियाँ थी, पाचन तंत्र में पाचन जो अंग हैं उनके बारे में अपन ने सब ने पढ़ लिया है, पहले ही दो वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ, ये अपना तीसरा वीडियो है। इसमें लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि जो पाचन ग्रंथि हैं उनको अपन ने डिटेल से पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इस पूरे टॉपिक के ऊपर, पाचन तंत्र में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।